फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग केदारनाथ जाने के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। सो बहुत लोगों ने पूछा मुझसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरे एकदम लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह से चारधाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। सो चलिए वीडियो पे बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें। जैसा कि आप देख रहे हो, ये टूरिस्ट केयर उत्तराखंड की वेबसाइट है। सो अगर आप चारधाम का प्लान कर रहे हो, चारधाम जाने का, केदारनाथ जाने का, जिसमें आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ चारों धाम के यहाँ पे होते हैं, तो जाने से पहले आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा के जाएँ, नहीं तो आपको वहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। सो कभी भी आप अगर ट्रैवल करते हो, अगर केदारनाथ आपको जाना है, तो आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन कर ले यहाँ पे। ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि हम लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो चलिए वीडियो पे बने रहे और वीडियो को एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट के थ्रू आप दो तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है आपका व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन गाइड, और दूसरा आप इस वेबसाइट के लिंक से आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, रजिस्टर योर सेल्फ हेयर फॉर चारधाम एंड हेमकुंड साहिब, और यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉग इन टू योर अकाउंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस रजिस्टर योर सेल्फ हेयर फॉर चारधाम एंड हेमकुंड साहिब इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल्स वगैरह यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे दो आपको दिखेंगे आइकन्स, एक है लॉग इन टू योर अकाउंट, एक है रजिस्टर योर सेल्फ हेयर फॉर चारधाम एंड हेमकुंड। तो आपको इस लेफ्ट वाले आइकन्स में सारे डिटेल्स भरना है, क्योंकि आपने अभी साइन अप नहीं किया है। जैसे आप लोग किसी भी अपने फेसबुक पे अकाउंट नया क्रिएट करते हैं, तो हम लोग पहले साइन अप करते हैं, सारे डिटेल डालते हैं, उसके बाद हम लोग लॉग इन करते हैं। तो उसी तरह आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है अपने आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ। तो चलिए आगे करते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डाल के क्रिएट करना है। अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हो तो इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो फैमिली पे सेलेक्ट करना। तो अभी मैं फैमिली के साथ मतलब प्लान कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने फैमिली डाला है। तो चलिए आगे का स्टेप बताते हैं आपको। मैंने भर दिए हैं डिटेल्स, डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज आएगा और एक OTP यहाँ पे, उस जो आप मोबाइल नंबर डालोगे उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। सो आपको उस मोबाइल नंबर का OTP डालना है। तो चलिए OTP को डालते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपको एक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है अपना OTP। सो OTP ये आपका वेरीफाई हो रहा है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली आपका कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका OTP वेरीफाइड हो चुका है। नाउ यू कैन लॉग इन इन टू द पोर्टल। सो मेरा मोबाइल नंबर जो है, मैंने जो डाला था, वो OTP से वेरीफिकेशन हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे लॉग इन करना है अपने इस अकाउंट पे। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपने जो मोबाइल नंबर डाला था, आपको उसी मोबाइल नंबर वापस से यहाँ पे डालना है और पासवर्ड डालना है जो आपने क्रिएट किया है। मैंने डिटेल्स यहाँ पे भर दिए हैं, और अब चलिए अब मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। सो ये देखिए आपका इस तरीके का साइन इन हो गया है। तो साइन इन करने के बाद आपको क्रिएट और टूर इन्फॉर्मेशन, ऐड मैनेज पिलग्रिम और टूरिस्ट, मतलब आप अपने फैमिली को ऐड करना चाहते हो तो इस आइकन से आप अपने फैमिली को ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको अपना जो टूर है वो क्रिएट करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्रिएट एंड मैनेज टूर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज ओपन होता है। ऐड न्यू टूर पे क्लिक करना है। प्लान टूर पे सेलेक्ट योर टूर टाइप में आपको चारधाम सेलेक्ट रखना है। सेलेक्ट टूर ड्यूरेशन, डेट ऑफ एंट्रिंग टू लिविंग इनटू द स्टेट, मतलब आप कौन सी डेट पे जा रहे हो और कौन सी डेट पे वापस आ रहे हो, वो डेट भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक स्पेशल नोट दिया है कि टूर ड्यूरेशन शुड बी विद इन 15 डेज, मतलब आपकी जो यात्रा है वो 15 दिन का ही होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना डेट स्लॉट बुक करें। अभी सितंबर 10 टू 17 सितंबर तक का स्लॉट बुक किया है, मतलब 7 to 8 डेज का ट्रिप मेरा प्लान है। सो यहाँ उसके बाद मैं आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। तो
तो ये आपका डेट सेलेक्ट हो गया, नंबर ऑफ टूरिस्ट। ओके, सो द अवेलेबल स्लॉट सितंबर का अभी ये देखो, आपको इस तरीके का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो इसमें से आपको एक स्लॉट सेलेक्ट करनी है। जैसे कि आपने देखा, मैंने सितंबर की स्लॉट्स मैंने बुकिंग की है फॉर 7 डेज, और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ टूरिस्ट, आप कितने लोग जा रहे हो वो आपको यहाँ पे देना है। मोड ऑफ़ ट्रैवल आपको देना है कि बाय रोड जा रहे हो, बाय हेलीकॉप्टर जा रहे हो, बाय वॉकिंग जा रहे हो। सो मैंने यहाँ पे बाय रोड सेलेक्ट किया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे है प्लान योर डेस्टिनेशन। सो आप कहाँ कहाँ आप जाना चाहते हो, केदारनाथ जाना चाहते हो, बद्रीनाथ जाना चाहते हो, और सेलेक्ट डेट ऑफ टूर। तो आप ये डेट जो है आपका विद इन दिस ड्यू, जो आपने स्लॉट बुकिंग की है उस स्लॉट डेट के बुकिंग के हिसाब से ही आपको कि कौन से दिन पे आप मंदिर पहुंच रहे हो, सो उस हिसाब से आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। और अगर आप चारों धाम घूमना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हो, जैसे केदारनाथ हुआ, बद्रीनाथ हुआ। सो यहाँ पे है गंगोत्री, यमुनोत्री, सब कुछ है। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से आपको यहाँ पे डेट भी सेलेक्ट करनी है। तो ये मैंने तीन डेस्टिनेशन मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव करना है। सो ये मैंने सेव कर दिया डिटेल्स। डिटेल्स सेव करोगे तो सेव होने के बाद रजिस्ट्रेशन इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आएगा, टूर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और एक आईडी जनरेट होगा। सो आप ओके क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये देखो आपका डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। ये आपका डिटेल्स आ गया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये जो टूर आईडी जनरेट हुआ है, ये आपका स्लॉट बुक हुआ है कि आप इतने डेट से इतने डेट तक के लिए आप मंदिर पर जा रहे हो। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब आपको अपना खुद का डिटेल्स वगैरह डालना है, और आपके साथ जो जो फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं उनका सबका डिटेल्स आपको यहाँ पर ऐड करना है। और यहाँ पर देखो सारा डिटेल्स, सिटी, डिस्ट्रिक्ट नेम, आप कहाँ से आ रहे हो, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। सो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी ऐड करना है, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पे ऐड करनी है, जैसे कि आधार कार्ड हुआ। वो सब पूरा डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली फिनिश कर देना है। सो फ्रेंड्स, सारा डिटेल्स डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आर यू COVID-19 वैक्सीनेटेड और नॉट, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके साथ जितने भी फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं उन सभी का डिटेल्स एक एक करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको सिंपली फिनिश बटन पर क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोटो, अपना आधार कार्ड डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। सो जब आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका रहेगा। और कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये आपको आपके PDF में डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर ये मेरा PDF में जनरेट होकर मुझे मिल चुका है। और एक बारकोड स्कैनर रहता है, तो आपको क्या करना है, ये जो स्कैनर है, जब आप केदारनाथ टेम्पल पहुँचोगे तो आपको ये बारकोड दिखाना है। ये स्कैन करने के बाद आपको एक टोकन दिया जाता है, और उस टोकन में आप कौन से टाइम में मंदिर के बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हो, उसमें एक टाइम स्लॉट दिया हुआ रहता है। तो उस टाइम स्लॉट पे आप जाके मंदिर में दर्शन कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से केदारनाथ और चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो के थ्रू आपको पता चला हो किस तरीके से हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नेक्स्ट वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री केदार।